5 फरवरी को सैकड़ों आदमियों के साथ गहलौर घाट से पैदल होली शेर को पटक पटक कर मुकाबला करने वाले दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की उनकी जन्मोत्सव 27, 28, 29 तीन दिन है और ये तीन दिन बुद्ध का तीनों मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, आप देख रहे हैं गया बिहार न्यूज। अभी हम हैं बोध गया के धरती ज्ञान के नगरी में और हमारे साथ बात करने के लिए है आदरणीय ललन भंते जी जो जम्बूद्वीप के नाम से भी जाने जाते हैं। इनसे मेरा कुछ सवाल है जो कई लोगों के सवाल है कमेंट बॉक्स में आ रहा था, तो इनसे हम सवाल करेंगे। सबसे पहले सर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज 98वां जयंती है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले संसार के केंद्र बिंदु, संसार के नाभि, बोधि वृक्ष महाविहार बुद्ध की धरती को नमन करता हूँ और नमन करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 98 आज जन्मदिवस, आज का दिन जन्म लिए थे। कर्पूरी ठाकुर भी बहुत गरीबी से जूझते हुए मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुँचे और विरोधियों को मुकाबला करते हुए और गरीब गुरबा को जितना बना भरपूर बिहार में सहयोग किया और पूरे भारत में नाम रोशन किया। कर्पूरी जी को भी मैं नमन करता हूं और जन्मदिवस के अवसर पर सदा सुमन अर्पित करता हूं। सर साथ में एक सवाल और है आपसे कि 5 तारीख का जो आने वाले 5 फरवरी है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का जो भारत रत्न दिलवाने की मांग चल रहा है और इसके लेकर के लोग पैदल दिल्ली यात्रा पे जा रहे हैं, तो इस पे आपको पता है या आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं सर, आप क्या करें? 5 फरवरी को संसार के नक्शा पर झोपड़ी का बेटा, गरीब का बेटा, सामरिक खानदान का लाल श्रीमैन गौतम मांझी 5 फरवरी को सैकड़ों आदमियों के साथ गहलौर घाट से पैदल दिल्ली रवाना हो रहा है। उसमें हमारा उसके साथ आशीर्वाद है कि उसकी यात्रा सफल हो और उसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, संदेश है वो पूरा हो। हम उनके साथ, गौतम मांझी के साथ 5 फरवरी को रहेंगे, साथ रहेंगे। हम बोध गया की धरती पर हरी झंडी दिखाकर इसको दिल्ली यात्रा सफल करने के लिए और विश्व का कर्मवीर दशरथ मांझी का भारत रत्न दिलाने के उद्देश्य से, ओ गौतम मांझी गरीब का बेटा, पहली बार दशरथ मांझी के बाद अगर उस खानदान से कोई व्यक्ति जा रहा है दिल्ली पैदल तो वो है श्रीमैन गौतम मांझी और मेरा भी आशीर्वाद है और मैं भी उसके साथ जहां तक बनेगा मैं रहूंगा। मैं अस्वस्थ चल रहा हूं इसलिए उनके साथ मैं भी रहूंगा। सर ये यात्रा जो है दिल्ली तक पैदल जाएगा कि बीच में कुछ सहारा की जरूरत पड़ेगी सर? ऐसे तो उसकी मानसा है कि हम सहारा नहीं ले, हम पैदल दिल्ली जाएंगे, हम पैदल ही जाएंगे, बोलते जाएंगे, कोई सहारा बीच में नहीं होगा, हम पैदल दिल्ली जाएंगे और जाने के बाद वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो दोनों से मिलेंगे और मिलकर झोपड़ी के लाल, गुदड़ी के लाल, आज का शहंशाह ताजमहल को बौना बनाने वाले दशरथ मांझी और मौसो तुम को भी पैदल दिल्ली जाकर मौसो तुम के बौना बनाने वाले और पशु और मनुष्य की रक्षा करने के लिए मोछाइल शेर को पटक पटक कर मुकाबला करने वाले दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने की उनकी यात्रा सफल हो, मेरी मनोकामना उनके पास आते। सर आपसे एक सवाल और है कि अभी बोध गया में ज्ञान की नगरी में बुद्ध महोत्सव का मेला लगने वाला, सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये हर वर्ष बुद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है और इस महोत्सव में भिन्न भिन्न हाथ से बनाया हुआ कला प्रदर्शित किया जा रहा है, भिन्न भिन्न एरिया का चोखा लिट्टी इसका भी प्रबंध किया जा रहा है और इस संसार के नक्शा पर, दुनिया के नक्शा पर ये संदेश दे रहा है कि हे मानव, बुद्ध महोत्सव संदेश दे रहा है कि हे दुनिया के मानव, अगर अमन चैन शांति की जिंदगी जीना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है,
वो है बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध बोले थे हम मुक्तिदाता नहीं हैं, हम मार्गदाता हैं, हमने मार्ग दिया है, त्रिशरण पंचशील और अष्टांगिक मार्ग का यही आपका मुक्ति का मार्ग है, रास्ता है। इसलिए बुद्ध महोत्सव बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर ये बुद्ध महोत्सव पर सुन रहे हैं कि कई देशों से लोग आ रहे हैं, उसमें कई कलाकार भी आ रहे हैं, सर कलाकार के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, इस बुद्ध महोत्सव में भिन्न भिन्न देश के कलाकार लोग पहुँच रहे हैं और अपने अपने देश का सभ्यता संस्कृति और इतिहास पर और बुद्ध के जीवनी पर आधारित वो अपने अपने देश का सांस्कृतिक कार्यक्रम महाबोधि महाविहार के प्रांगण कालचक्र मैदान में बुद्ध महोत्सव 27, 28, 29 तीन दिन है और ये तीन दिन बुद्ध का तीनों मंत्र बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और तीनों काल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये तीनों काल को सामूहिक कार्यक्रम बुद्ध महोत्सव वर्ल्ड के नक्शा पर नमूना वन पर्व और त्यौहार। सर ये बुद्ध महोत्सव के मौके पर पूरे बोध गया के जनता को यानी पूरे बिहार को जनता को आप क्या कहेंगे? बुद्ध महोत्सव पर ए पूरे बिहार के खास करके बोध गया के बुद्ध की ज्ञान से बुद्ध के सिद्ध समाधि प्रज्ञा से लोग कोसों दूर हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो शिक्षित लोग हैं समझदार लोग हैं उनकी भी संख्या इस बुद्ध महोत्सव में काफ़ी संख्या रहेगा और इससे लाभ लोग उठाएंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम भानते जम्बूदीप है,